हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर। ये है अन अकेडमी का अन अकेडमी यूपीएससी और आप देख रहे हैं मुझे यानी कि दुर्गेश नंदन को। अन अकेडमी यूपीएससी पर डेली इवनिंग मैं लेकर आता हूं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री की कहानी। जी हाँ, आप सुनना शुरू कर चुके हैं आधुनिक भारत की कहानी नंदन बाबा की जुबानी। और आज की कहानी में हम चर्चा करने वाले हैं सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट के बाद भारत के राजनीतिक गलियारों में किस प्रकार की है ना चीजें चल रही थी, भारत के राजनीतिक गलियारों में किस प्रकार का डिबेट चल रहा था और अंततः उस डिबेट के बाद किस प्रकार से 1935 का एक्ट आया। तो आज हम दो चीजों पर चर्चा करेंगे, पहला डिबेट ऑन फ्यूचर स्ट्रेटजी और दूसरा जो हमारा डिस्कशन है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं अपने सेशन को। Let us quickly start with the session and discuss modern history. Topic is debates on future strategy after civil disobedience movement and Government of India Act 1935. अंग्ल नव वर्ष की यानी कि English New Year की आप सभी को है ना बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और मैं आपको दोबारा विश करूंगा, है ना, मैं आपको दोबारा विश करूंगा। This is not the final wish. दोबारा विश मैं आपको कब करने वाला हूँ? दोबारा विश मैं आपको करूंगा सर जब हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे, जब हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे क्या हिंदू नववर्ष, है ना, उस समय मैं आपको दोबारा विश करूंगा। आज है ना इंग्लिश नववर्ष की शुभकामनाएं लीजिए। जो मेरे मुसलमान भाइयों हैं उनको मैं मुहर्रम पे भी विश करूंगा। तो हमारा देश विविधताओं का देश है, है ना, हमारा देश विविधताओं का देश है। कुछ बच्चे हमारे मुहर्रम के दिन नववर्ष मनाएंगे, कुछ बच्चे गुड़ी पड़वा के दिन न्यू ईयर मनाएंगे, कुछ बच्चे बैसाखी है ना के दिन मनाएंगे। उसी दिन बैसाखी वाले ही दिन बंगाल में लोग पोइला बैशाख कहेंगे उसी दिन को, कुछ बच्चे होली के दिन पे मना रहे होंगे। तो विविधताओं का देश है और विविधताओं का सम्मान होना चाहिए, जड़ों से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। आइए फटाफट से शुरू करते हैं इतिहास की कहानी, है ना। आज के टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर और ये मेरे बारे में कुछ डिटेल्स हैं, यू कैन चेक दिस आउट। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप सभी लोग मोस्ट प्रोबेबली जुड़े हुए होंगे। अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर जुड़ जाइए, सारे अपडेट्स आपको मेरे सेशन के यहीं पर मिलते हैं। और अन अकेडमी कॉम्बैट का टेस्ट जो है ये 11 बजे है ना 2 जनवरी यानी कि कल होने वाला, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा, है ना, इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा, इसको मिस नहीं करना है, ठीक है, इसको मिस नहीं करना है। और इसमें काफ़ी सारा स्कॉलरशिप मिल जाता है, अगर आपकी बढ़िया रैंक आती है 1, 2, 3 तो 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगा आपको। रैंक 4 to 10 में आपको 75% स्कॉलरशिप मिल रहा है, ठीक है। अ गुड चांस टू है ना असेस योर प्रिपरेशन, टू इवेल्युएट योर सेल्फ एंड अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग अ गुड चांस टू बेसिकली विन अन अकेडमी स्कॉलरशिप। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज के टॉपिक। सबसे पहले है ना पुरानी क्लास पर चलते हैं और वहीं से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पुरानी क्लास में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट हुआ। सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट है ना के दौरान ही या आपके ही सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट के अंत के है ना नजदीक एक गांधी इरविन पैक्ट हुआ। गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी और इरविन साहब उस समय वॉइसराय थे, उनके बीच समझौते के बाद गांधी जी जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में माइनॉरिटी के क्वेश्चन पर है ना कि क्या दलितों को भी माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए, इस पर एक डेडलॉक हो जाता है, गांधी जी वापस आ जाते हैं। कांग्रेस निर्णय लेती है कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट का फेज टू लॉन्च किया जाता है। फेज टू में कुछ बहुत खास हुआ नहीं, बहुत ज्यादा असरदार रहा नहीं, फेज टू खत्म हुआ है ना, फेज टू खत्म हुआ। एक तरफ सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ चर्चा चल रही है कि कांग्रेस जो अब एक फुल फ्लेजेड फुल टाइम 24/7 365 days वाली पॉलिटिकल पार्टी बन गई है, इस पॉलिटिकल पार्टी की अब क्या रणनीति होगी, लोग अब क्या करेंगे, है ना, इस पर चर्चा चल रही है, फ्यूचर स्ट्रेटेजी पर डिस्कशन है। तो सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट के बाद है ना एक टू स्टेज डिबेट है ना होता है। फर्स्ट स्टेज डिबेट में क्या बात हुई, फर्स्ट स्टेज ऑफ डिबेट में बात हुई कि भैया मूवमेंट खत्म हुआ तो फिर से वही करते हैं जो 1922 में हुआ था। आपको याद होगा 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब खत्म हुआ है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के खत्म होने के बाद क्या किया था हमने, जल्दी बताओ,
क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के खत्म होने के बाद सबसे पहली चीज है ना, स्वराजिस्ट ने डिमांड की कि इलेक्शन लड़ेंगे हम, है ना, काउंसिल में जाएंगे, ठीक। और जो दूसरा ग्रुप था स्वराजिस्ट में कौन थे, स्वराजिस्ट में थे मोतीलाल नेहरू साहब, स्वराजिस्ट में थे हमारे मोतीलाल नेहरू साहब के अलावा सी आर दास जी जो है वो कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी के प्रेसिडेंट भी बने। और दूसरी तरफ जो लोग थे वो कह रहे थे कि हम कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे। अब जो ये लोग कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाह रहे हैं, है ना, जो लोग ये कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाह रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो लोग कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाह रहे हैं इनको, है ना, इनको क्या फायदा होगा, है ना, इनको क्या फायदा होगा। तो ये कह रहे थे जी कि हम मास के बीच, है ना, लोगों के बीच अपना प्रेजेंस बनाए रखेंगे, लोगों को नेक्स्ट फेज के लिए तैयार करेंगे। तो अब यहां पर क्या डिबेट चल रही है, ये तो बात थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद, अब सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट भी खत्म हुआ है तो अब भी सेम डिबेट चल रहा। तो पहला ओपिनियन यही है कि इन दोनों काम को किया जाए, बट इस बार कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इस बार सीधा सीधी तरीके से कह रहे हैं। पिछली बार कुछ लोग कह रहे थे ये करेंगे, कुछ लोग कह रहे थे ये करेंगे, है ना, जो काउंसिल एंट्री वाले थे वो इसका विरोध कर रहे थे और जो कंस्ट्रक्टिव वर्क वाले थे वो काउंसिल एंट्री का विरोध कर रहे थे, मतलब दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे थे, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे थे। इस बार बात अपोजिशन की नहीं है, है ना, इस बार बात अपोजिशन की नहीं है, इस बार कह रहे हैं कि दोनों चीजों को करते हैं, है ना, इस बार क्या कह रहे हैं जी कि दोनों चीजों को करते हैं, राइट। क्या कहा जा रहा है सर, दोनों चीजों को करेंगे ये कहा जा रहा है, समझ में आ रही है सारी बातें, ठीक है। तो लेट्स डू बोथ द थिंग्स टुगेदर, ठीक है। तो बोले देयर शुड बी कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑन गांधीयन लाइंस, है ना, गांधीयन लाइंस पर कंस्ट्रक्टिव वर्क हो, एंड देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल एंड पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन थ्रू सेंट्रल लेजिस्लेचर, है ना, केंद्रीय लेजिस्लेचर के इलेक्शन में पार्टिसिपेशन हो। कहना यह था कि बोले भैया दिस इज द पीरियड ऑफ पॉलिटिकल एपैथी, और पॉलिटिकल एपैथी के इस पीरियड में अगर हम इलेक्शन, है ना, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, अगर हम काउंसिल के माध्यम से काम करते हैं, तो हम इस मौके को यूटिलाइज कर सकते हैं पॉलिटिकल इंटरेस्ट, है ना, लोगों में जागरूक रखने में। ऐसा ना हो कि जो ट्रूस का फेज है, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी जब खत्म हो जाए, है ना, तो लोगों का जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाए, लोगों के मन में जो एक, है ना, भाव जग रहा था वो खत्म हो जाए, है ना, पॉलिटिकल टेम्परामेंट खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसा कह रहे हैं कि काउंसिल वर्क के माध्यम से, इलेक्शन के माध्यम से लोगों को एंगेज करके रखेंगे पॉलिटिक्स में, है ना, लोगों को पॉलिटिक्स से कटने नहीं देंगे, दूर होने नहीं देंगे। बोले इलेक्शन में पार्टिशन और काउंसिल वर्क डिड नॉट अमाउंट टू फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा। कांग्रेस के लोगों का कहना था कि अगर हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने को तैयार हैं, अगर हम काउंसिल एंट्री के लिए तैयार हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स में विश्वास रखते हैं, मतलब ब्रिटिशर्स के द्वारा लेट डाउन जो प्रावधान है उनके अनुसार काम करने में विश्वास रखते हैं, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। बट हम अपने इंटरेस्ट के लिए, है ना, हम अपने इंटरेस्ट के लिए लोगों को पॉलिटिक्स के साथ जोड़ने के लिए हम ये काम करेंगे, ठीक है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स में विश्वास रखते हैं, ठीक है जी, समझ गए, ये बात बहुत साफ होनी चाहिए। बोले एक नया पॉलिटिकल फ्रंट डेवलप हो जाएगा इससे, है ना, एक नया पॉलिटिकल फ्रंट हो जाएगा, और इस पॉलिटिकल फ्रंट के माध्यम से हम जनता को अगले मास स्ट्रगल के फेज के लिए तैयार करेंगे। बोले दिस अप्रोच वुड गिव कांग्रेस सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेस्टीज एज वेल एज कॉन्फिडेंस। जब कांग्रेस लोगों के बीच जाएगी, चुनाव लड़ेगी, उस चुनाव में जीतेगी, तो कांग्रेस को पता चलेगा कि हाँ भैया लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। जब कांग्रेस को पता चलेगा कि लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कांग्रेस के मन में क्या आएगा जी, कॉन्फिडेंस आएगा, है ना, सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस, और कांग्रेस के मन में क्या आएगा, प्रेस्टीज आएगा। एंड अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन काउंसिल्स वुड सर्व एज एन इक्विवेलेंट टू द मूवमेंट, है ना, काउंसिल में अगर प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग रहेगी तो ये मूवमेंट जैसा ही होगा, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। बोले अगर काउंसिल में हमारी प्रेजेंस स्ट्रांग हो जाएगी, हम वहां पर, है ना, अच्छी पकड़ बना पाएंगे, तो वहां पर जो लेजिस्लेशन हो रहा है, वहां पर जो मुद्दों पर डिस्कशन है, उसको हम इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। तो वही तो हम आंदोलनों के माध्यम से करना चाहते थे, बाहर जो आंदोलन चला रहे हैं उससे यही तो करना की कोशिश है कि जो लेजिस्लेशन हो, है ना, उसको हम इन्फ्लुएंस कर पाए, सरकार पर प्रेशर डाल सकें। तो बोले अंदर जाकर, है ना, काउंसिल के अंदर जाकर हम सरकार पर प्रेशर डालेंगे।
बोले एक स्ट्रॉन्ग लेफ्टिस्ट ट्रेंड था कांग्रेस के अंदर, और इस लेफ्टिस्ट ट्रेंड के अगुवा थे, इसके है ना लीडर थे खुद जेएल नेहरू साहब, ये इन दोनों तरीकों को गलत मान रहे थे। बोले कि नहीं भैया, अगर हम कॉन्स्ट्रक्टिव वर्क करते हैं या हम इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करते हैं, दोनों ही गलत है। लोगों का ध्यान जो है वो भारत को आजाद करवाने पर है ना, एंटी इंपीरियल फोकस जो है वो लूज हो जाएगा। लेफ्टिस्ट लोगों का क्या कहना है कि एंटी इंपीरियल फोकस जो है वो इलेक्शन की बातों से है ना, इलेक्शन की बातों से काउंसिल एंट्री से लूज हो जाएगा। बोले लोगों का जो फोकस बन चुका है उसी दिशा में कंटिन्यू करने दीजिए है ना, और ये सब करने से फोकस खत्म हो जाएगा। तो कांग्रेस में नेहरू या आप कहिए जो यंगर नेशनलिस्ट हैं, जो सोशलिज्म से इन्फ्लुएंस्ड हैं, जो लेफ्ट से इन्फ्लुएंस्ड हैं, वो है ना इस स्ट्रेटेजी के फेवर में नहीं है। तो फिर नेहरू किस चीज के फेवर में है, नेहरू क्या चाहते हैं है ना, नेहरू किस चीज के फेवर में है, नेहरू क्या चाहते हैं। नेहरू का कहना है कि जो बेसिक गोल है इंडियन पीपल के सामने वो क्या है, वो है कैपिटलिज्म का एवोल्यूशन और सोशलिज्म का एस्टेब्लिशमेंट। सोशलिज्म का एस्टेब्लिशमेंट इसलिए क्योंकि भारतीय समाज जो है वो शोषित है, वो पीड़ित है, तो भारतीय समाज के शोषण को, पीड़ा को खत्म करना है, सोशलिज्म को है ना बहाल करना है, कैपिटलिज्म को जड़ से उखाड़ फेंकना है। नेहरू जो है वो गांधी जी का जो फिलॉसफी है स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल है ना, इसका विरोध कर रहे हैं। गांधी जी और उनके सपोर्टर्स इस फंडा में है ना विश्वास रखते थे कि बोले लड़ो ठीक है, रुक जाओ फिर से लड़ो, मतलब जॉगिंग करने गए आप फास्ट रनिंग कर रहे हैं, थोड़ी देर फिर थक गए रनिंग करते करते तो थोड़ी देर पैदल चल लिए, फिर वापस से रनिंग करने लगे। ये फंडा है स्ट्रगल टू स्ट्रगल का। गांधी जी का कहना है और उनके फॉलोअर्स का कहना है कि लोगों की कैपेसिटी जो है वो अनलिमिटेड नहीं है, और जब लोगों की कैपेसिटी टू फाइट इज नॉट अनलिमिटेड तो मास मूवमेंट जो है वो भी अनिश्चितकालीन नहीं चल सकता। मास मूवमेंट थोड़े समय के लिए हाई टेम्पो में चलेगा, फिर लोगों का एंथुसियाज्म कम होने लगेगा, तो मास मूवमेंट को हमेशा छोटे पीरियड के लिए रखना चाहिए और फिर है ना एक ब्रेक देना चाहिए, फिर से नेक्स्ट फेज शुरू करना चाहिए। स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल है ना, स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल ठीक है। तो एक बढ़िया टेम्पो बिल्ड कीजिए है ना, खूब काम करवाइए, फिर डाउन फिर काम, ठीक है। तो ये बात है जी। तो स्ट्रगल टू स्ट्रगल की स्ट्रेटेजी पर गांधी बाबा विश्वास रखते हैं है ना। कांग्रेसमैन जो कि गांधी है ना जी से काफी इन्फ्लुएंस थे, इनका ये मानना था। बट ट्रूस पीरियड को जो है ना गांधीयन जो आप कह सकते हैं पॉलिटिकल वर्कर्स हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनका कहना है कि ट्रूस पीरियड को काफी अच्छे से काफी इफेक्टिवली यूटिलाइज करना पड़ेगा, तभी हम मासेस को प्रिपेयर कर सकेंगे नेक्स्ट फेज ऑफ स्ट्रगल को है ना। तो ट्रूस पीरियड में भी काफी काम करना है, ऐसा गांधीयन है ना जो वर्कर्स हैं उनका मानना था, ठीक है। बट दिस वॉज द स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल स्ट्रेटेजी, नेहरू डिड नॉट एग्री टू इट। नेहरू का सजेशन था स्ट्रगल विक्ट्री है ना स्ट्रेटेजी। बोले भैया स्ट्रगल शुरू करो तो फिर सीधा विक्ट्री हासिल करो, बीच में रुकने की जरूरत नहीं है कि एक बार दौड़े फिर रुक गए फिर दौड़े। बोले एक बार दौड़ो तो ऐसा दौड़ो कि सीधा फिनिश लाइन पार कर जाओ, एक बार दौड़ो तो ऐसा दौड़ो कि सीधा फिनिश लाइन पार कर जाओ। स्ट्रगल विक्ट्री स्ट्रेटेजी है ना, स्ट्रगल विक्ट्री स्ट्रेटेजी नेहरू जी कह रहे हैं, ठीक। तो ये बात थी जी। फाइनली काउंसिल एंट्री पे बात है ना फाइनल हो गई कि हाँ जी काउंसिल एंट्री होगा, इट वॉज अ यस टू द काउंसिल एंट्री, ठीक। मई 1934 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC मीट एट पटना है ना। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कहां पे मिली, पटना में, ठीक। और पटना में मिलकर इन्होंने एक पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन किया। आज भी पार्लियामेंट्री बोर्ड एग्जिस्ट करती है कांग्रेस में, दूसरी पार्टीज में भी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है ना, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन कर दिया, और पार्लियामेंट्री बोर्ड में यह निर्णय लिया जाता है कि इलेक्शन जो है वो इनकी लीडरशिप में लड़ा जाएगा है ना। तो दिस पार्लियामेंट्री बोर्ड इज बेसिकली एज ऑर्गन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, इलेक्शन का सारा मामला यही देखेंगे है ना। तो इलेक्शन में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, इलेक्शन
जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो कब हुआ? नवंबर 1934 में, ठीक। और कांग्रेस 75 में से 45 सीटें हासिल करती है। हम 75 उन सीटों की बात कर रहे हैं जो इंडियंस के लिए है, ठीक है। इंडियंस के लिए जिन 75 सीटों पर चुनाव होना है, उन 75 में से 45 सीटों पे है ना कांग्रेस जीत हासिल करती है, विच इज बेसिकली एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस लेडीज एंड जेंटलमैन, है ना। तो कांग्रेस बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस शो करती है इस इलेक्शन में, है ना। बोले एक तरफ ये सारा स्ट्रगल चल रहा था, है ना, दूसरी तरफ आपको ध्यान होगा, ठीक, यहां तक की बात समझ गए, यहां तक की बात समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक की बात समझ गए हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट फेज पे चलते हैं। हमने डिबेट देखा, डिबेट का अंत किधर हुआ उधर समझ गए हम, है ना। सेकंड स्टेज जो डिबेट है उसका, उस पर भी जाएंगे, बट डिबेट के सेकंड स्टेज पर जाने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम, 1932 में चलते हैं वापस। आपको याद है 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया था, है ना। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया था, मैं कहां ले चल रहा हूं आपको, वापस से मैं आपको थोड़ा पीछे ले चल रहा हूं, 1932 में ले चल रहा हूं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, है ना, आरटीसी, नो आउटकम, ठीक, आरटीसी नो आउटकम, ठीक है जी, आरटीसी का कोई आउटकम नहीं रहा, बट आउटकम नहीं रहा किंतु परंतु बंधु, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पे, है ना, साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पे थर्ड, है ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो भी डिस्कस हुआ था उसके आधार पे, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमिटी के रिपोर्ट के आधार पे, है ना, इन सब के बेसिस पे, ठीक है, इन सब के बेसिस पे क्या बनाया गया? इन सब के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया गया, ठीक है, इन सब के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया, ठीक है जी, समझ गए, है ना। व्हाइट पेपर्स, ठीक है, तो ये इतने जगह से इनपुट आया, साइमन कमीशन रिपोर्ट, थर्ड आरटीसी, व्हाइट पेपर रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट, ठीक है, इतने जगहों से, है ना, आउटपुट मिला और उसके बाद फिर ये काम हुआ, ठीक है जी, समझ गए ना, कंफर्टेबल है ना, चलें आगे, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। देखो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या क्या चीजें थी, बोले 1932 के, है ना, 1932 के माहौल के बाद ये तो क्लियर हो गया था कि कोई ऐसा एक्ट नहीं आ सकता जिससे कि इंडियंस एग्री करें, है ना, क्योंकि इंडियंस का स्टैंड जो है वो कुछ ऐसा था जो कि ब्रिटिशर्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, तो एग्रीमेंट तो नहीं बन रही थी, तो फाइनली एक रिफॉर्म तो आना था, तो 1935 का एक्ट आया। अब ये 1935 का जो एक्ट है इसमें काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहां पर 1935 के एक्ट के संबंध में वो है कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन का निर्माण किया जाएगा। ऑल इंडिया फेडरेशन से क्या तात्पर्य है, आइए समझने की कोशिश करते हैं, है ना, ऑल इंडिया फेडरेशन से क्या तात्पर्य है समझने की कोशिश करते हैं। बोले इंडिया में, है ना, इंडिया में उस समय दो प्रकार के टेरिटरीज हुआ करते थे, एक जिनको हम बोलते हैं ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज जो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में थे, है ना, ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में थे, और दूसरे थे प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, दूसरे थे प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है जी, सेकंड इज प्रिंसली स्टेट्स, बट पॉइंट टू बी नोटेड इज प्रिंसली स्टेट्स जो है मेरे भाई, है ना, प्रिंसली स्टेट्स जो है वो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रिंसली स्टेट्स जो है वो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे, इनडायरेक्ट कंट्रोल में थे, ब्रिटिश पारामाउंसी के अंदर थे, है ना, तो वहां पे राजा जो है वो भी स्टेशन था, उस राजा के ऊपर भले ही ब्रिटिशर्स थे,
इनडायरेक्ट कंट्रोल है यहां पर, है ना, इनडायरेक्ट कंट्रोल है, ठीक है। एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल मींस, इनडायरेक्ट कंट्रोल मींस, इनडायरेक्ट कंट्रोल का मतलब यह है सर, इनडायरेक्ट कंट्रोल का मतलब यह है कि ये है ना, दे वेर अंडर ब्रिटिश पारामाउंसी, ब्रिटिश पारामाउंसी, ठीक है, ब्रिटिश पारामाउंसी के अंदर थे, समझ गए, ब्रिटिश पारामाउंसी के अंदर थे। चले तो ब्रिटिश पारामाउंसी के अंदर हैं, दो प्रकार के स्टेट हैं। तो यही कह रहे हैं 1935 के एक्ट ने कहा कि इन दोनों को मिला दिया जाए, है ना, प्रिंसली स्टेट्स को और ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज को, है ना, इन दोनों को मिला दिया जाए और इनको मिलाकर क्या बनाया जाए, इनको मिलाकर एक फेडरेशन बना दिया जाए, है ना, फेडरेशन, कैसा फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन, है ना, ऑल इंडिया फेडरेशन बना दिया जाए इनको मिलाकर, ठीक है, ये बात हुई यहां पर, समझ गए। चलिए, बोले ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाए, पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये जानना है, यहां पर ये फेडरेशन कभी भी बना ही नहीं, 1935 के एक्ट में इसको बनाने की बात जरूर हुई बट ये कभी भी बना ही नहीं। फेडरेशन का फॉर्मेशन जो है वो कंडीशनल था दरअसल, फेडरेशन का फॉर्मेशन जो है वो दरअसल कंडीशनल था, है ना, ये क्राइटेरिया फुलफिल होंगे तभी फेडरेशन का निर्माण होगा। तो जिन राज्यों में, है ना, जिन राज्यों में 52 सीट्स थे, स्टेट विथ अलॉटमेंट ऑफ 52 सीट्स इन द प्रपोज्ड काउंसिल ऑफ स्टेट्स शुड एग्री टू ज्वाइन, है ना, शुड एग्री टू ज्वाइन द फेडरेशन। क्या बोल रहे हैं भाई, दोबारा देखिए, जिन स्टेट्स में कितने सीटों का अलॉटमेंट है, 52 सीटों का अलॉटमेंट है प्रपोज्ड काउंसिल ऑफ स्टेट में, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर में दो हाउसेज हैं, उसमें से एक है काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको आज आप कहते हैं राज्यसभा, तो उनका, है ना, राज्यसभा, है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा। बोले जो एग्रीगेट पॉपुलेशन है ऑफ द स्टेट्स इन द अबव कैटेगरी, इस कैटेगरी में जो स्टेट्स हैं उनका एग्रीगेट पॉपुलेशन मतलब इस तरह के जितने राज्य हैं उनको सबको मिला के, है ना, उसका एग्रीगेट पॉपुलेशन जो है वो कितना होना चाहिए, 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स, ठीक है, 50% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल इंडियन। अब ये कंडीशन जो है वो फुलफिल ही नहीं हो पाई, है ना, ये कंडीशंस नॉट फुलफिल्ड, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैरीड अपॉन 1946, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ एक्ट ऑफ 1919, है ना, ये फुलफिल नहीं हो पाए कभी भी, भारत में ऑल इंडिया फेडरेशन बन नहीं पाया। तो 1919 के एक्ट के हिसाब से जो सिस्टम था वही चलता रहा, है ना, ऑल इंडिया फेडरेशन आजादी से पहले नहीं बना। चलिए, इसके अलावा और क्या बात हुई फेडरल लेवल पर, है ना, फेडरल लेवल पर ऑल इंडिया फेडरेशन नहीं बना, बट फेडरल लेवल पे वैसे भी तो गवर्नमेंट है अभी भी, जैसे यूनियन जो गवर्नमेंट है, है ना, उसी की बात कर रहे हैं, अभी जो यूनियन स्तर की गवर्नमेंट है तो उसको यहां पर हम क्या कह रहे हैं, फेडरल, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर, है ना, फेडरल स्ट्रक्चर पर एम्फेसाइज कर रहे हैं। फेडरल स्ट्रक्चर पर क्यों एम्फेसाइज कर रहे हैं, क्योंकि 1935 के एक्ट में कहा गया कि स्टेट्स को सिग्निफिकेंट पावर देने हैं, स्टेट्स को ऑटोनॉमी देनी है, तो फेडरल स्ट्रक्चर हो गया, है ना, जहां पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जो है, जो प्रोविंसेस हैं, जो स्टेट्स हैं, उनको आप सिग्निफिकेंट पावर्स देंगे तो हम उनको कहेंगे फेडरल लेवल, ठीक है। तो भैया फेडरल लेवल की अगर हम बात करें, है ना, फेडरल लेवल की अगर हम बात करें, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, तो फेडरल लेवल पे, है ना, फेडरल लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसमें एक तो हो गया एग्जीक्यूटिव, एक हो गया लेजिस्लेचर, दोनों में क्या क्या सिस्टम था। अगर एग्जीक्यूटिव को देखेंगे तो जो गवर्नर जनरल हैं, है ना, गवर्नर जनरल जो है वो पाइवोट होंगे पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के, गवर्नर जनरल विल बी द पाइवोट ऑफ द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। बोले जो सब्जेक्ट्स हैं उनको डिवाइड करना है रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, जिन सब्जेक्ट्स पर केंद्र में, है ना, केंद्र में काम होना है उनको रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में डिवाइड किया जाएगा। मतलब बात हो रही है डायरकी, है ना, तो डायरकी इन, है ना, या ऐसे लिखे डायरकी एट सेंटर, केंद्र में डायरकी लगाने की बात चल रही है सर, केंद्र में डायरकी लगाने की बात चल रही है। गवर्नर जनरल कुड एक्ट इन हिज इंडिविजुअल, है ना, जजमेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द सिक्योरिटी एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इंडिया। क्या बात कर रहे हैं सर, गवर्नर जनरल कुड एक्ट इन हिज इंडिविजुअल जजमेंट इन द
डिस्चार्ज ऑफ हिज स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर सिक्योरिटी एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल के पास विशेष अधिकार है, इंडिविजुअल जजमेंट है ना। चलिए ये तो बात हो गई एग्जीक्यूटिव की। अगर हम लेजिस्लेचर देखें तो लेजिस्लेचर कैसा है? बाइकैमरल। बाइकैमरल मतलब दो हाउसेस होंगे, जैसे अभी भी हमारा लेजिस्लेचर बाइकैमरल है, लोकसभा और राज्यसभा, लोअर हाउस एंड द अपर हाउस। तो वही बात हुई कि लेजिस्लेचर कैसा होगा? बाइकैमरल होगा। बोले एक अपर हाउस होगा जिसको हम कहेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट, और एक लोअर हाउस होगा जिसको कहेंगे फेडरल असेंबली। लोअर हाउस को क्या कहेंगे? फेडरल असेंबली, है ना। तो जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, दैट वाज टू बी अ 260 मेंबर हाउस, है ना। काउंसिल ऑफ स्टेट जो है वो 260 मेंबर का हाउस होगा। फेडरल असेंबली वाज टू बी 375 मेंबर हाउस। ध्यान से सुनिएगा, फेडरल असेंबली यानी कि लोअर हाउस, आप आज जिसको लोकसभा कहते हैं उसमें 375, आप आज जिसको राज्यसभा कहते हैं अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट उसमें 260 मेंबर। बोले ऑडली एनफ इलेक्शन टू काउंसिल ऑफ स्टेट्स वाज डायरेक्ट, है ना, एंड द फेडरल असेंबली इनडायरेक्ट। कैसा कैसा इलेक्शन हुआ जी? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कहां डायरेक्ट और कहां इनडायरेक्ट? काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए डायरेक्ट और फेडरल असेंबली, अभी क्या होता है, लोकसभा के लिए डायरेक्ट इलेक्शन है, राज्यसभा के लिए इनडायरेक्ट। यहां पे उल्टा प्रावधान था जी, लोकसभा यानी कि लोअर हाउस, लोअर हाउस को इस समय क्या बोल रहे हैं? फेडरल असेंबली। तो फेडरल असेंबली के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन रखा गया और काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन रखा गया। सर काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन रखा गया। काउंसिल ऑफ स्टेट्स वाज टू बी अ परमानेंट बॉडी विद 1/3 मेंबर्स, है ना, रिटायरिंग एवरी थर्ड ईयर। काउंसिल ऑफ स्टेट कैसा बॉडी होगा? एक परमानेंट बॉडी होगा। आज भी परमानेंट है, ठीक है, तो आज भी परमानेंट बॉडी है काउंसिल ऑफ स्टेट, और 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर करते हैं। ये बात तो आज भी सेम है, बट सिर्फ, है ना, आपको ध्यान किस चीज पर देना है कि यहां पर जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसका इलेक्शन डायरेक्ट हो रहा है, अभी काउंसिल ऑफ स्टेट्स का यानी कि राज्यसभा का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। तो कॉन्ट्रास्ट ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ का प्रोविजन आपको ध्यान में रहेगा। देखो चीजों को याद करने में आपको काफी मुश्किल आएगी जिंदगी में, है ना, क्योंकि जिंदगी में कई सारी चीजें याद करनी है, जिंदगी लंबी है, है ना, कई सारी चीजें याद रखनी है, और वी आर अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स, है ना, जो कैपेसिटी है हमारा वो लिमिटेड है। तो लिमिटेड कैपेसिटी के साथ सबसे बढ़िया उपाय आपके पास क्या है भाई? लिमिटेड कैपेसिटी के साथ सबसे बढ़िया उपाय आपके पास क्या है? सबसे बढ़िया उपाय आपके पास ये है बालक मेरे कि आप क्या करें, सबसे बढ़िया उपाय क्या है आप क्या करें? सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप कर लें भैया ध्यान, है ना, ध्यान मग्न। सबसे बढ़िया उपाय यह है कि इंटरलेट करने की कोशिश किया कीजिए कि अच्छा उस समय अपर हाउस इस तरह का होता था, अभी तो इस तरह का है। तो कॉन्ट्रास्ट याद रहेगा तो अपने आप चीजें याद रहेंगी, है ना, रिलेट करके याद रखने की कोशिश करेंगे, बढ़िया याद रहे। बोले ड्यूरेशन ऑफ असेंबली वॉज टू बी 5 years, है ना, असेंबली का ड्यूरेशन कितना रहने की बात की गई? बोले असेंबली का ड्यूरेशन 5 वर्षों का होगा। 3 लिस्ट, है ना, लेजिस्लेशन के पर्पस के लिए बनेंगे। पहला जो है वो कहलाएगा फेडरल लिस्ट, दूसरा कहलाएगा प्रोविंशियल लिस्ट, और तीसरा कहलाएगा कंकरेंट लिस्ट, है ना। कितने लिस्ट बनाए जाएंगे सर? फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट लिस्ट बनाए जाएंगे। बोले जो फेडरल असेंबली के मेंबर्स हैं दे कुड मूव टू अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द मिनिस्टर्स। फेडरल असेंबली यानी कि लोअर हाउस, आज भी लोकसभा में ही है, तो लोकसभा के पास ये अधिकार दिया गया, उस समय के फेडरल असेंबली के पास ये अधिकार दिया गया कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ सकते हैं मिनिस्टर्स के खिलाफ। जो काउंसिल ऑफ स्टेट है यानी कि अपर हाउस, है ना, उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रावधान नहीं था, कुड नॉट मूव अ वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस, सेम टुडे, ठीक है। चलिए बोले जो सिस्टम ऑफ रिलीजन बेस्ड एंड क्लास बेस्ड इलेक्टोरेट है इसको और फर्दर एक्सटेंड किया गया, रिलीजन बेस्ड और कास्ट बेस्ड इलेक्टोरेट को और फर्दर एक्सटेंड किया गया। 80% बजट जो है वो अभी भी नॉन वोटेबल था, 80% बजट पर अभी भी वोट नहीं था, मतलब बजट के मामले में अंग्रेजी हुकूमत के पास लगभग लगभग सारी शक्तियां थी, ठीक। गवर्नर जनरल के पास रेसिडुअरी पावर्स थे, गवर्नर जनरल के पास रेसिडुअरी पावर्स थे। रेसिडुअरी पावर्स मतलब जो तीनों में से किसी लिस्ट में मेंटेन नहीं है, है ना, उनको कह रहे हैं रेसिडुअरी पावर, है ना। यहां पे तीन हमने बात की ना, फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट, जो इनमें मेंशन नहीं है, इससे बचा हुआ कुछ रह गया तो वो रेसिडुअरी पावर है, वो गवर्नर जनरल के पास है। अभी प्रेजेंट में रेसिडुअरी पावर किसके पास है? आज हमारी गवर्नमेंट जो है, आज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है
रेसिडोरी पावर किसके पास है, केंद्र के पास, सेंटर के पास, ठीक है। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो प्रोविंसेस के कंटेक्स्ट में यहां पर आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंश्योर किया गया था, क्योंकि यहां पर बात थी फेडरेशन बनाने की ना, तो फेडरेशन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं वो है ना सेंटर के अधीन नहीं होते, है ना, वो किसी के अधीन नहीं होते। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जो होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ऑटोनॉमस होते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये एक प्रकार का फेडरेशन है तो यहां पर हमने क्या बात की जी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ने डायरकी को रिप्लेस किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सेंटर में डायरकी आया, प्रोविंसेस में डायरकी गया, सेंटर में डायरकी आया, प्रोविंसेस से डायरकी गया। प्रोविंसेस में डायरकी कब आया था जी, प्रोविंसेस में डायरकी आया था 1919 में, प्रोविंसेस में डायरकी आया था 1919 में। अब डायरकी को हटा रहे हैं प्रोविंसेस से, ठीक है, और साथ में डायरकी को हटाकर वहां पर हम क्या दे रहे हैं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, है ना, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, है ना, राज्यों को एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी दी जा रही है। और जो गवर्नर जनरल है ना, गवर्नर जनरल है मतलब जो फेडरल गवर्नमेंट है ना, उसके मुखिया, भारत के मुखिया गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल अब स्टेट्स के मामले में किसी भी प्रकार का सुपरिटेंडेंस या डायरेक्शन नहीं देंगे, है ना, क्या कह रहे हैं, प्रोविंसेस वेयर फ्रीड फ्रॉम सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल, ठीक है। और सिर्फ गवर्नर जनरल नहीं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी इनको किसी प्रकार के है ना इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, तो इनको क्या मिल गई सर, ऑटोनॉमी मिल गई। बोले अब से जो राज्य का गवर्नर होगा वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का नॉमिनी होगा, वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसके बिहाफ पर काम कर रहा होगा, ना कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या SOS के बिहाफ पे, ठीक है। प्रोविंसेस हेंसफोर्थ डेराइव्ड देयर लीगल अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन, है ना, सीधा ब्रिटिश क्राउन से अपनी लीगल अथॉरिटी को डेराइव कर रहे हैं। प्रोविंसेस वेयर गिवन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल पावर्स, है ना, एंड रिसोर्सेज, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल पावर और रिसोर्सेज दे दिए, एंड दे कुड बोरो मनी, है ना, ऑन देयर ओन सिक्योरिटी, अब वो कर्ज भी ले सकते थे अपनी खुद की सिक्योरिटी पर। तो प्रोविंसेस की पावर जो है वो 1935 के एक्ट में बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए, ठीक है। अगर हम प्रोविंशियल लेवल पर एग्जीक्यूटिव को देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव का मुखिया कौन, गवर्नर। अब चूंकि मैंने आपको बता दिया कि प्रोविंसेस जो है वो गवर्नर जनरल या SOS के अंदर में नहीं आएंगे, तो गवर्नर जो है वो डायरेक्ट किसका रिप्रेजेंटेटिव हो गया, डायरेक्ट किसके लिए काम कर रहा है, क्राउन के लिए काम कर रहा है ना, तो क्राउन का नॉमिनी है, क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव है, और वो क्राउन के बिहाफ पर अपनी है ना शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। गवर्नर वॉज टू हैव स्पेशल पावर रिगार्डिंग माइनॉरिटीज, है ना, माइनॉरिटीज के संबंध में गवर्नर के पास विशेष अधिकार होंगे, राइट्स ऑफ सिविल सर्वेंट, लॉ एंड ऑर्डर, ब्रिटिश बिजनेस इंटरेस्ट, है ना, पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज, प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है जी, समझ गए। तो गवर्नर कुड टेक ओवर, है ना, एंड आइडेंटिफाई, ठीक है, सॉरी, गवर्नर कुड टेक ओवर एंड इनडेफिनेटली रन द एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर जो है वो राज्य की सरकार को ओवरटेक कर सकता है और अनिश्चितकालीन वहां तक सरकार चला सकता है। मतलब पहली बात क्या हुई सर, ध्यान दिया आपने कि प्रोविंसेस, है ना, प्रोविंसेस के पावर काफी बढ़ गए। दूसरी बात क्या हुई, प्रोविंसेस में भी गवर्नर के पावर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई, प्रोविंशियल गवर्नर का पावर बहुत ज्यादा बढ़ गया 1935 के एक्ट के द्वारा। लेजिस्लेचर को अगर देखेंगे, है ना, राज्य के स्तर पर लेजिस्लेचर को अगर देखेंगे तो सेपरेट इलेक्टोरेट, है ना, कम्युनल अवार्ड के बेसिस पे, है ना, अब ऑपरेशनल करने थे। कम्युनल अवार्ड आपको याद ही है, रैमसे मैकडोनल्ड, है ना, रैमसे मैकडोनल्ड मैकडी, तो रैमसे मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड दे दिया था, उसके बेसिस पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स को अब ऑपरेशनल करना है। कम्युनल अवार्ड आ गया था 1932 में ही, ठीक है, अब इस एक्ट के माध्यम से वो ऑपरेशनल होगा। कम्युनल अवार्ड में एक अमेंडमेंट हुआ था, पूना पैक्ट वॉज कंसिडर्ड एज एन अमेंडमेंट टू द कम्युनल एक्ट, टू द कम्युनल, है ना, अवार्ड। कम्युनल अवार्ड अब ऑपरेशनल होगा, जितने भी मेंबर्स हैं वो सब के सब, है ना, प्रोविंशियल असेंबली में सारे के सारे मेंबर्स जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से आएंगे, और साथ ही साथ अब महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिल गया, है ना, महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिल गया पुरुषों की तरह। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आ गया,
वोट देने का अधिकार सभी को नहीं है, ऐसा नहीं कि जितनी जनता है जैसे आज है कि आप हम सब लोग वोट देते हैं, ऐसा नहीं। लिमिटेड फ्रेंचाइजी था, फ्रेंचाइजी बढ़ाया जरूर गया, बट ऐसा नहीं कि सभी को वोट देने का अधिकार दे दिया गया। हाँ, महिलाओं को भी अब से वोट देने का अधिकार है। ध्यान रहना चाहिए 1935 से पहले इंडिया में महिलाओं को इलेक्शन में वोट देने का अधिकार नहीं है। इससे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है वो सिर्फ वैदिक एरा में था, जब चार असेंबलियां हुआ करती थी, है ना, सभा, समिति, विधाता, और चौथे का नाम मुझे कमेंट में बताइए। सभा, समिति, विधाता और चौथे का नाम मुझे कमेंट में बताइए। एंशियंट टाइम में, वैदिक पीरियड में कौन से चार असेंबलीज हुआ करते थे। वेमेन जो है दे वेयर टू एडमिनिस्टर ऑल प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय अ प्रीमियर, ठीक है, सॉरी वेमेन कह रहा हूं मैं, मिनिस्टर्स जो है दे वेयर टू एडमिनिस्टर ऑल प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, है ना, तो सभी प्रोविंशियल सब्जेक्ट को मैनेज कौन करेंगे, मिनिस्टर्स मैनेज करेंगे, और इनके अध्यक्ष एक जो हेड होंगे उनको हम बोलेंगे प्रीमियर, जैसे आज हम बोलते हैं मुख्यमंत्री, यहां पर क्या कह रहे हैं प्रीमियर। बोले मिनिस्टर्स वेयर मेड आंसरेबल, है ना, जो मंत्रिमंडल है वो आंसरेबल होगा लेजिस्लेचर के प्रति, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के प्रति मंत्रिमंडल आंसरेबल होगा, है ना। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर कुड लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स इन प्रोविंशियल एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, कुड लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स इन प्रोविंशियल एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है जी, इतनी बातें ध्यान रहेंगी। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि लगभग 40% बजट जो है प्रोविंशियल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे 80% बजट वोटेबल नहीं है, केंद्र स्तर पर 80% बजट पर वोट देना अलाउड नहीं है, राज्य के स्तर पे 40% बजट पर वोट देना अधिकार, वोट देने का प्रावधान नहीं है, ठीक है। गवर्नर के पास यहां स्पेशल प्रावधान है, गवर्नर को स्पेशल पावर्स दिए गए हैं, गवर्नर को स्पेशल पावर्स दिए गए हैं, वो पावर क्या क्या है, सबसे पहली बात तो कि गवर्नर किसी बिल को, है ना, अपनी सहमति देने से इनकार कर सकता है। दूसरी बात, गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस, है ना, यानी कि अध्यादेश लेकर आ सकता है, और तीसरी बात, गवर्नर जो है वो एक अलग प्रकार के एक्ट बना सकता है जिनको कहते हैं गवर्नर्स एक्ट, मतलब लेजिस्लेचर के पैरेलल पावर दे दिया गवर्नर को, है ना, लेजिस्लेचर के पैरेलल पावर दे दिया गवर्नर को, तो ऑर्डिनेंस का तो है ही और गवर्नर्स एक्ट भी, है ना, निकाल सकते हैं, मतलब गवर्नर जो है वो बॉस बन गया। अगर आपको कहा जाए कि भैया 1935 का एक्ट के जो जो मेजर प्रावधान है उनको जरा एनालाइज कीजिए, उनको जरा इवेल्युएट कीजिए, मेंस में इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, 250 शब्दों में पूछ सकते हैं आपसे, है ना, या हो सकता है टैग क्वेश्चन के रूप में दे दे, ठीक है, टैग क्वेश्चन के रूप में दे दे, तो भैया यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि इसको जब एनालाइज करेंगे, इसको जब इवेल्युएट करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा। बोले कई सारे सेफगार्ड्स और स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना, गवर्नर जनरल के हैं, वर्क्ड एज ब्रेक्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एक्ट, है ना, न्यूमरस सेफगार्ड्स एंड स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नर जनरल वर्क्ड एज ब्रेक्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एक्ट। बोले प्रोविंसेस में गवर्नर स्टिल हैड एक्सटेंसिव पावर, प्रोविंसेस में गवर्नर के पास अभी भी एक्सटेंसिव पावर थे, और एक्ट में ये बात थी कि 14% ऑफ ब्रिटिश इंडियन पॉपुलेशन को अब वोट देने का अधिकार था, 14% ब्रिटिश इंडियन पॉपुलेशन के पास अब वोट देने का अधिकार था, पर बाकी के पास अभी भी नहीं है, है ना, 86% पॉपुलेशन के पास अभी भी वोट देने का अधिकार नहीं, जो कम्युनल इलेक्टोरेट था उसको और भी ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया, एक्सटेंशन ऑफ द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इंटरेस्ट प्रमोटेड सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज, है ना, कम्युनल इलेक्टोरेट के एक्सटेंशन से क्या हुआ, समाज के अंदर जो कुछ ग्रुप्स हैं जिनको कम्युनल इलेक्टोरेट्स, है ना, का स्पेशल प्रिविलेज मिल रहा है, उनके अंदर धीरे धीरे अब अलगाववाद की भावना आ जाएगी, उनके अंदर धीरे धीरे सिसेशनिस्ट टेंडेंसी आने लगेगी, कम्युनल टेंडेंसी आने लगेगी। एक्ट प्रोवाइडेड अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, विथ पॉसिबिलिटी ऑफ क्या, इंटरनल ग्रोथ, विथ नो पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनल ग्रोथ, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन था, इंटरनल ग्रोथ की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं थी, बट अगेन इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि हमारा जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है इसके भी काफी सारे प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए, ठीक है, काफी सारे प्रावधान, मतलब मेजर अगर किसी चीज पर बेस्ड है तो 1935 का एक्ट है, अपार्ट फ्रॉम अलग अलग कंट्रीज जिनसे हमने, है ना, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस को लिया।
राइट ऑफ अमेंडमेंट वॉज रिजर्व विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट, है ना। 1935 के एक्ट को अमेंड कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट कर सकता है। इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेचर या जो फेडरल लेजिस्लेचर है, अपर हाउस है, उनको कोई भी अधिकार नहीं है इसको अमेंड करने का। जाहिर सी बात है ना, ये एक्ट लेकर कौन आया? ब्रिटिश पार्लियामेंट लेकर आया, तो अमेंड करने का भी अधिकार उन्हीं को है, हमको नहीं है। ठीक है, चलिए। अब इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिशर्स की स्ट्रेटेजी क्या थी? ब्रिटिशर्स को ये बात समझ में आ गई थी कि भैया आंदोलन होगा, हम सप्रेशन करेंगे, रिप्रेशन करेंगे, पर रिप्रेशन जो है वो परमानेंट नहीं हो सकता। रिप्रेशन जो है वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं हो सकता। एक बार दबाओगे, दूसरी बार दबाओगे, कितनी बार दबाओगे, है ना। किसी बार वो उठ खड़े होंगे, है ना, सामने वाले को आप कितनी बार दबाएंगे, कितनी बार को चलेंगे। रिप्रेशन जो है, सप्रेशन जो है, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटेजी ये थी कि नेशनलिस्ट मूवमेंट को, है ना, नेशनल मूवमेंट को धीरे धीरे कमजोर कर देना है हमें। नेशनल मूवमेंट को क्या करना है? कमजोर करना है, और एक बड़े चंक, है ना, एक बड़े आबादी को जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, उनको हमें गवर्नमेंट के अंदर ले आना है। जो ब्रिटिश, है ना, इंडियन गवर्नमेंट का सिस्टम है, प्रोविंशियल इलेक्शंस हैं, है ना, सेंट्रल इलेक्शंस हैं, उनके माध्यम से उनको सिस्टम के अंदर ले आना है, ये पर्पस था। रिफॉर्म्स वुड रिवाइव पॉलिटिकल स्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट लिबरल्स। जब हम आंदोलन की बात कर रहे हैं तो उसमें एक ग्रुप वैसा भी है जो लिबरल है, जो बहुत ज्यादा पैसिव रेजिस्टेंस की, बहुत ज्यादा उग्रवादी, बहुत क्रांतिकारी बातें नहीं कर रहा। दे हैव फेथ इन द ब्रिटिश प्रोसेसेस, है ना। तो उनको बेसिकली दिखा रहे हैं कि भैया देखो, है ना, और वो भी फिर कल को जाके समाज में कह सकते हैं कि देखो हमने कहा था ना, ब्रिटिश तो बेनेवोलेंट हैं, वो हमारे लिए कंसेशंस देंगे, हमारे लिए रिफॉर्म्स करेंगे, तो कर रहे हैं ना। तो इनकी जो स्टैंडिंग है वो मजबूत हो जाएगी, मॉडरेट्स की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, है ना। और इन्हीं मॉडरेट्स को बैसाखी मानकर, बैसाखी समझते हैं ना, मतलब जिसके सहारे हम चलते हैं, ठीक है, इन्हीं मॉडरेट्स को बैसाखी मानकर ब्रिटिश हुकूमत भारत में चलेगा, ठीक है। तो कोशिश ये है कि जितने ज्यादा लोगों को जो इस माइंडसेट के हैं कि भैया लाइक माइंडेड है, है ना, जिनको ब्रिटिश अपने साथ समेट सकते हैं, उनको अपने साथ ले आए, गवर्नमेंट के अंदर ले आए, मूवमेंट वूवमेंट खत्म हो जाए, उनका शासन चालू रहे, थोड़ा कंसेशन भले ही देना पड़े, लोगों को अपने साथ शासन में इन्वॉल्व करना पड़े। बोले पहले रिप्रेशन, है ना, एंड रिफॉर्म्स नाउ वुड कन्विंस लार्ज सेक्शन ऑफ कांग्रेसमैन। बोले पहले रिप्रेशन किया, अब रिफॉर्म किया, तो इससे ये समझ में आ जाएगा कि भैया आंदोलन जब भी करोगे तो रिप्रेशन करने की तो हमारी क्षमता है, तो आंदोलन करने का कोई फायदा नहीं है, हमारी जब इच्छा होगी हम रिफॉर्म अपने आप कर देंगे। तो रिफॉर्म के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से लड़ा जाए, है ना, आंदोलन आंदोलन छोड़ो, प्रेयर किया जाए, बातचीत की जाए, ठीक है, ये बात थी। कहीं ना कहीं वो ऐसा सोच रहे थे कि एक बार कांग्रेसमैन जो है वो पॉलिटिक्स में आ जाए, है ना, लेजिस्लेचर में एंट्री हो जाए उनकी, मंत्री बन जाए, तो पावर का नशा हो जाएगा उन लोगों को, और जब पावर का नशा हो जाएगा तो फिर कहां गली गली में भटकते हुए आंदोलन करवा पाएंगे। तो इनका ये सोचना था कि एक बार पावर का नशा लगवा दो, है ना, लहू मुंह लग गया, और एक बार जब लहू मुंह लग गया तो फिर कहां कुछ कर पाएंगे, ठीक है। दैट वॉज द पर्पस। रिफॉर्म कुड बी यूज्ड टू क्रिएट, है ना, डिसेंशंस विद इन कांग्रेस। रिफॉर्म्स को किस लिए यूज कर रहे हैं? डिसेंशंस विद इन द कांग्रेस। जो राइट विंग है ना, वॉज टू बी प्लेसेटेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशंस एंड रेडिकल लेफ्टिस्ट टू बी क्रश्ड थ्रू पुलिस मेजर्स। जो रेडिकल लेफ्टिस्ट है उसको क्रश कर देंगे पुलिस मेजर्स के माध्यम से, ठीक है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कुड क्रिएट पावरफुल प्रोविंशियल लीडर्स हु वुड ग्रेजुअली बिकम ऑटोनॉमस, है ना, सेंटर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर, है ना। जो हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का प्रावधान है यहाँ पे, उससे पावरफुल प्रोविंशियल लीडर्स बनेंगे और फिर सारी चीजें उनकी तरफ केंद्रित हो जाएंगी, जो नेशनल लीडर्स, जो टॉल लीडर्स हो रहे हैं, उनकी चमक दमक खत्म हो जाएगी, लोगों का ध्यान यहाँ अटक जाएगा, और ये तो फिर, है ना, उसी चक्र में फंसे रह जाएंगे, इलेक्शन पॉलिटिक्स, है ना, मंत्रिमंडल, ठीक। नेशनलिस्ट का क्या रिस्पॉन्स था इस एक्ट के लिए? 85 का एक्ट जो है उसको लगभग सभी सेक्शन ने एक साथ मिलकर कह सकते हैं कि रिजेक्ट कर दिया, किसी ने भी इसकी, है ना, प्रेज नहीं किया, ठीक है, किसी ने भी इसको प्रेज नहीं किया। हालांकि डिवाइडेड ओपिनियन जरूर था, अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की, सुभाष चंद्र बोस की,
और कांग्रेस के जो अन्य सोशलिस्ट है ना और कम्युनिस्ट लीडर थे उनकी बात करें तो दे वेर अपोज्ड है ना टू दिस एक्ट, दे वेर अपोज्ड टू दिस एक्ट। एट द सेम टाइम है ना, एट द सेम टाइम ये कह रहे थे कि सिर्फ एक्ट का अपोजिशन नहीं करना है, एक्ट के अपोजिशन का मतलब है कि इस एक्ट के तहत जो इलेक्शंस होंगे उनका भी अपोजिशन करना है। तो दिस इज द सेकंड स्टेज डिबेट है ना, दिस इज द सेकंड स्टेज डिबेट जहां पर नेहरू, सुभाष बोस और बाकी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लीडर्स क्या कह रहे हैं दैट वी आर अपोज टू ऑफिस एक्सेप्टेंस है ना, ऑफिस एक्सेप्टेंस के फेवर में नहीं है, ठीक है। देयर बाय इन द वर्किंग ऑफ 1935 एक्ट, बोले हम 1935 के एक्ट को अगर स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, हम उसकी है ना क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो फिर उस एक्ट के तहत जो ऑफिसेस बनाए गए हैं हम उनमें क्यों जाएं, नहीं जाएं, ठीक है। दे आर्ग्यूड दैट इट वुड निगेट द रिजेक्शन ऑफ द एक्ट बाय नेशनलिस्ट, बोले जिस एक्ट को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिसको रिजेक्ट कर रहे हैं, उसी एक्ट के प्रावधान के तहत है ना जो मंत्रिमंडल बनेगा हम उसमें जाके घुस जाएंगे, तो फिर क्या मतलब रहा है ना, क्या मतलब रहा हमारे विरोध का, जिस एक्ट का विरोध कर रहे हैं वहीं जाके बैठ रहे हैं, है ना, तो हमारे विरोध का कोई मतलब नहीं रहेगा, सेंसलेस हो जाएगा। बोले काउंटर स्ट्रेटेजी के रूप में लेफ्टिस्ट ने सुभाष बोस और जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोज किया कि एंट्री इनटू काउंसिल्स विथ एन एम टू क्रिएट डेडलॉक दस मेकिंग द वर्किंग ऑफ एक्ट इम्पॉसिबल। बोले ठीक है, एंट्री करना ही चाहते हैं तो इस उद्देश्य से कीजिए कि अंदर जाके एकदम डेडलॉक जैम लगा देंगे है ना, काउंसिल के काम को आगे नहीं बढ़ने देंगे, अगर ऐसा उद्देश्य है तो फिर ठीक है अंदर जा सकते। प्रोपोनेंट्स ऑफ ऑफिस एक्सेप्टेंस आर्ग्यूड दैट दे हैव दे वेयर इक्वली कमिटेड टू कॉम्बैटिंग द 1935 एक्ट बट वर्क इन लेजिस्लेचर वॉज टू बी ओनली शॉर्ट टर्म टैक्टिक है ना, लेजिस्लेचर के अंदर काम जो है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म टैक्टिक रहेगा, ठीक है, ये बात है जी। गांधी जी का क्या कहना था, गांधी जी ने पिछली बार की तरह ही किया, इनिशियली इन्होंने अपोज किया है ना, इनिशियली इन्होंने सीडब्ल्यूसी मीटिंग में अपोजिशन किया, बाद में मान गए कि चलो ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। चलिए तो फरवरी 1937 में इलेक्शंस हुए प्रोविंशियल असेंबलीज के और इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन 11 प्रोविंसेस, 11 प्रोविंसेस में इलेक्शन हुए, मद्रास में, सेंट्रल प्रोविंस यानी कि मध्य प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में, यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि आज के उत्तर प्रदेश में, बॉम्बे में है ना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, आसाम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, पंजाब और बंगाल है ना, 11 प्रोविंसेस में इलेक्शन हुए, ठीक। इलेक्शन में जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था उस मैनिफेस्टो ने 1935 एक्ट को पूर्ण रूप से रिजेक्ट किया, ठीक है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो कांग्रेस है ना, कांग्रेस को 1161 में से 716 सीट्स मिली है ना, 716 सीट्स आउट ऑफ 1161 सीट्स है ना इट कंटेस्टेड, इट गॉट अ मेजॉरिटी इन ऑल प्रोविंसेस है ना, किंतु परंतु बंधु कहां कहां पर मेजॉरिटी नहीं मिला ये याद रखना जरूरी है, यहां पे से ही आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। कहां कहां मेजॉरिटी नहीं मिला, बंगाल में मेजॉरिटी नहीं मिला क्योंकि बंगाल मुस्लिम बहुल इलाका था है ना, आसाम में मेजॉरिटी नहीं मिला और पंजाब में मेजॉरिटी नहीं मिला, सिंध में मेजॉरिटी नहीं मिला, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मेजॉरिटी नहीं मिला। तो आप देखेंगे मुख्य रूप से है ना जहां मुस्लिम बहुल इलाके थे उनमें कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिली है ना, बाकियों को मिल गई। अब आपका होमवर्क क्या है, यहां पर आपका होमवर्क ये है कि जो जिन राज्यों में कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिली उनमें किन की सरकारें बनी है ना, पंजाब में किसकी बनी, बंगाल में किसकी बनी, ठीक, सिंध में किसकी बनी, ठीक, NWFP में किसकी बनी, ये आपको देखना है आज। दिस इज योर होमवर्क, कंफर्टेबल है सर? तो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल ऑफर आया है, वो ऑफर ये है कि बिकॉज दिस इज ईयर 2022 सो वी आर बेसिकली ऑफरिंग 22% फ्लैट डिस्काउंट है ना, हम लोग ऑफर कर रहे हैं क्या 22% का डिस्काउंट, और यहाँ पे DN Live कोड लगाकर आप 22% का डिस्काउंट लगा सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ये डिस्काउंट जो है ये सिर्फ और सिर्फ UPSC सब्सक्रिप्शन पे नहीं, UPPCS है ना, आपका SSC है, किसी भी प्रकार के सब्सक्रिप्शन आप चाहते हो, लगभग हर प्रकार के सब्सक्रिप्शन के लिए है ना, लगभग हर प्रकार के सब्सक्रिप्शन के लिए डिस्काउंट अवेलेबल है ना। आपके घर में आपके छोटे भाई नीट की कोचिंग करते हो अगर, ठीक है, IIT की कोचिंग करते हो, स्कूल की कोचिंग करते हो, तो उनको
उनके लिए भी अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप इसी डिस्काउंट कोड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। उनके लिए भी सब्सक्रिप्शन लेना है, इसी डिस्काउंट कोड को यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं DNLive को यूज करके। अगर UPSC सब्सक्रिप्शन लेना है तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है वो 48,000 में है, 2 ईयर का 67 में, 3 ईयर का 81 में, कॉम्बो प्लस कॉम्बो में। अगर आइकोनिक लेना चाहेंगे तो 1 ईयर का 61 में, 2 ईयर का 93 और 3 ईयर का 1,23,000 में होगा। तो यू कैन गो फॉर इधर आइकोनिक और प्लस कॉम्बो, बेसिकली डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स। आइकोनिक में आपको गाइडेंस मिल जाता है, ठीक है। कॉम्बो का मतलब क्या है, उसमें आपको GS भी मिलेगा, ऑप्शनल भी मिलेगा, अच्छा क्लासेस और टेस्ट सीरीज दोनों इंक्लूडेड हैं, साथ साथ आपको बुक्स भी मिलेंगी, ठीक है। क्या क्या चीजें मिलेंगी सर आपको, क्या क्या चीजें मिलेंगी समझना जरूरी है यहाँ पे। सबसे पहला तो क्लासेस है ना, क्लासेस में आपको GS और ऑप्शनल दोनों की क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज भी आपको दोनों की मिलेगी, ठीक है। क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी और साथ ही साथ आपको अनअकैडमी की तरफ से 20 बुक्स भी मिलेंगे, ठीक है। अनअकैडमी की तरफ से 20 बुक्स भी मिलेंगे, तो पूरी की पूरी है ना पैकेज आपके लिए अवेलेबल होगी यहाँ। चलिए दूसरी बात यह है, अगर आपको कुछ फाइनेंशियल इशू हो रहा हो तो आप लोन पे भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को चेक कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल है मेरा @arohan1, आप मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हैं, दुर्गेश नंदन सर अनअकैडमी। तो आपको टेलीग्राम चैनल पे लोन के लिए फॉर्म मिल जाएगा, फॉर्म फिल कर दीजिएगा है ना, आप लोन भी ले सकते हैं। कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है, कोई प्रोसेसिंग फी नहीं है, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा आपको लोन में पे ही नहीं करना, ठीक है। लोन में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे ही नहीं करना, ठीक है। फ्लेक्सिबल टेन्योर है, आराम से ले सकते हैं, मिनिमम पेपर वर्क, घर बैठे सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। आइकोनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 1-to-1 मेंटोरिंग है, स्टडी प्लानर है ना, ओपन हाउस डिस्कशन है यहाँ पर एजुकेटर्स के साथ, तो सारी फैसिलिटी है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। चलिए अगर सिर्फ GS प्लस सब्सक्रिप्शन लेना हो तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 46,000 का, 2 ईयर का 67,000 का है। आइकोनिक लेना हो तो 1 ईयर का 67 में है, 2 ईयर का 1,04,000 में। यहाँ पे भी आपको सेम कोड यूज करना है DNLive, बट बेस्ट है कि आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लें जिसमें कि आपको GS ऑप्शनल दोनों कवर हो जाता है, टेस्ट सीरीज वगैरह भी मिल जाती है ना, तो वो लीजिए बेस्ट है। सिर्फ ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो 24,000 फी है उसकी, कोड रिमेन्स द सेम इफ यू वॉन्ट टू टेक ऑनली ऑप्शनल। स्पेशल क्लास का डिटेल्स मैं कल शेयर करूंगा, नए प्लस कोर्स जो है वो 8 AM पे चल रहा है अपना ऑलरेडी, ठीक है 8 AM पे, और अपना कोड है अगर आपको न्यू सब्सक्रिप्शन लेना है तो मैंने आपको बताया ही DNLive, ठीक है। बैचेस जो है वो अभी 5th of January से शुरू होने वाले। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी स्टडिंग एंड लेट्स क्रैक इट। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।